एमएस धोनी ने आईपीएल 2025 में खेलने को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है, जिसको जानकर के एमएस धोनी और आईपीएल में सीएसके टीम के जितने भी फैन हैं उनका दिल टूट सकता है, क्योंकि एमएस धोनी ने आईपीएल 2025 में ना खेलने को लेकर के काफी बड़ा इशारा किया है। साथ ही साथ अगर रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा के एक खास फैन का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को देख करके रोहित शर्मा इस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं कि रोहित शर्मा आईपीएल 2025 में हो सकता है कि आरसीबी टीम से खेलते हुए नजर आए। तो जानेंगे इस पूरे वीडियो में एमएस धोनी का, जो इस समय का सबसे बड़ा अपडेट है कि एमएस धोनी हो सकता है कि आईपीएल 2025 में हमको खेलते हुए नजर ना आए, और साथ ही साथ ये जो बड़ा अपडेट है इसमें रोहित शर्मा क्या आरसीबी टीम से आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर आ सकते हैं, ये भी जानेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करके लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि नमस्कार मेरे यार, आप सभी को मेरा बहुत ही ज्यादा प्यार। अद्भुत चर्चा की इस स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं रोहित शर्मा से, क्योंकि रोहित शर्मा का इस समय बेंगलुरु का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें रोहित शर्मा का एक क्रिकेट फैन रोहित शर्मा से एक खास मांग करते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आईपीएल 2025 से पहले आईपीएल की जितनी भी टीमें हैं वो सारी टीमें अपनी अपनी रिटेंशन की जो लिस्ट है वो लिस्ट 31 अक्टूबर से पहले जो है बीसीसीआई को सबमिट करेगी, और यहां पर जो भी रोहित शर्मा के फैन है उनके मन में एक बात ये चल रही है कि मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को रिटेन करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि रोहित शर्मा जो काफी ज्यादा एक स्टार खिलाड़ी है उनको कोई भी आईपीएल टीम आसानी से ज्यादा दाम में अपनी टीम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी बीच रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बवाल मचा रहा है, जिसमें एक क्रिकेट फैन रोहित शर्मा से ये मांग कर रहा है, एक सवाल करते हुए कि रोहित शर्मा आईपीएल में आप किस टीम से खेलते हुए नजर आएंगे। और जैसा कि रोहित शर्मा अपने बेबाक अंदाज और अपने स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, तो रोहित शर्मा भी उस क्रिकेट फैन से पूछ लेते हैं कि तुम बताओ कि आईपीएल में मैं किस टीम से खेलता हुआ नजर आऊं। वहां पर उस क्रिकेट फैन ने यह बोला कि हो सकता है तो आप अगर पॉसिबल है तो आरसीबी टीम से खेलते हुए नजर आए। और बेंगलुरु के इस चिन्नास्वामी स्टेडियम का वीडियो सोशल मीडिया पर इसलिए काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि जब क्रिकेट फैन ने यह बोला कि हो सकता है अगर आप चाहें तो आरसीबी से खेलते हुए नजर आ जाए तो इसमें मजे ही मजे हो जाएंगे, तो रोहित शर्मा ने उसकी बात को काफी ध्यान से सुना लेकिन उसके बाद कोई भी रिएक्शन नहीं दिया है। सो गाइस, जो भी आरसीबी के फैन है और जो भी रोहित शर्मा के फैन है वो क्या चाहते हैं कि रोहित शर्मा को आईपीएल में किस टीम से खेलना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताएं। वही अगर हम रोहित शर्मा के इस समय करंट अपडेट की बात करें तो रोहित शर्मा इस समय न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की टेस्ट मैच में काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं, और इसी के चलते हुए क्योंकि रोहित शर्मा आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया टीम पे जा रहे होंगे, जहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 5 टेस्ट मैच खेले जाने हैं, वहीं पर एक अपडेट ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि रोहित शर्मा शुरुआत के 2 मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए खेले जाने हैं, वहां पर हो सकता है शुरुआती 2 मैच में किसी पर्सनल रीजन की वजह से रोहित शर्मा 2 टेस्ट मैच में मौजूद नहीं रहेंगे। वहीं पर एक सवाल यह भी उठता है कि अगर रोहित शर्मा 2 टेस्ट मैच में मौजूद नहीं रहेंगे तो टीम इंडिया की कप्तानी कौन करेगा, और साथ ही साथ रोहित शर्मा के साथ ही साथ टीम इंडिया को ये 5 मैच ऑस्ट्रेलिया में जीतना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर टीम इंडिया वहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो 2025 में जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेला जाना है वहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइस, रोहित शर्मा के जितने फैन हैं और टीम इंडिया के जितने भी फैन हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताइए कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया इस सीरीज को कितने से जीत सकती है, या फिर 5 में से टीम इंडिया कितने मैच को जीतेगी, 3-2 या फिर कुछ मैच ड्रॉ होने वाले हैं, ये भी आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए। और अब बात करते हैं महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के, जो कि इस समय आईपीएल 2025 का इस समय का सबसे बड़ा अपडेट है कि रोहित शर्मा के साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए रोहित शर्मा के साथ ही साथ एमएस धोनी के जितने भी फैन है वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीएसके के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसको लेकर के अभी भी कोई भी साफ पुष्टि नहीं हुई है। और वहीं पर अगर आईपीएल 2025 के रिटेंशन रूल की बात करें तो कोई भी टीम ऐसे 4 खिलाड़ी जो कि अनकैप्ड है उसको अपनी टीम में शामिल कर सकती है, और अनकैप्ड खिलाड़ी का जो रूल है वो ये है कि जिस भी खिलाड़ी ने 5 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट को नहीं खेला है उसको कोई भी टीम एज अ अनकैप्ड प्लेयर अपनी टीम में शामिल कर सकती है। यानी कि अगर सीएसके की टीम चाहे तो महेंद्र सिंह धोनी को 4 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर सकती है, लेकिन यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि खुद महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में खेलते हुए दिखाई देना चाहते हैं या वो खुद नहीं चाहते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल 2024 में काफी अच्छे दामों में खरीदा गया था, और अगर आईपीएल 2025 में महेंद्र सिंह धोनी खेलते हुए
देखना चाहते हैं तो सिर्फ उनको 4 करोड़ में खरीदा जाएगा। और आईपीएल 2025 में 31 अक्टूबर से पहले हर टीम को अपनी रिटेंशन की लिस्ट देनी है, जिसमें ये साफ करना है कि ऐसे कौन से 4 खिलाड़ी हैं जिनको आईपीएल 2025 में टीम अपनी टीम में रिटेन करना चाहती है। वहीं इस समय जो विश्वनाथन आईपीएल में सीएसके टीम के जो कि मालिक है, उनसे तमिल न्यूज से बात करते हुए उन्होंने रिपोर्टर्स को ये बताया है कि उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से आईपीएल 2025 में खेलने को लेकर पूछा है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अभी भी कोई भी साफ जवाब नहीं दिया है। यानी कि इस वीडियो को बनाते समय, इस समय तारीख है 21 अक्टूबर और महेंद्र सिंह धोनी के पास लगभग 9 से 10 दिन का टाइम है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने यह बोला है कि वो आईपीएल 2025 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसको लेकर के वो 31 अक्टूबर से पहले अपना साफ जवाब दे देंगे। यानी कि अभी 9 से 10 दिन है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अभी भी अपना साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर के काफी ज्यादा ये अटकलें लगाई जा रही है कि महेंद्र सिंह धोनी हो सकता है कि आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर ना आए, क्योंकि आईपीएल 2024 में जिस समय महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे थे उस समय काफी बार उनको चोटिल देखा गया था और उन्होंने घुटने की सर्जरी करवाने के बाद आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर आए थे। और ग्राउंड में भी काफी बार ऐसा देखा जा रहा था कि घायल शेर की तरीके महेंद्र सिंह धोनी अपने घुटनों पर, अपनी बॉडी पर काफी ज्यादा आइस क्यूब लगाते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि फिटनेस भी एक महेंद्र सिंह धोनी के लिए काफी ज्यादा मामला बन सकता है कि वो खेलेंगे या नहीं। लेकिन अंदर की बात तो ये है कि महेंद्र सिंह धोनी 4 करोड़ रुपए में आईपीएल 2025 में खेलना पसंद करेंगे या नहीं, ये मेन बात है। वहीं अगर हम आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी के जो कि क्रिकेट के रिकॉर्ड्स हैं उनकी बात करें, उसके पहले अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट्स में ये बताइए कि एमएस धोनी को आईपीएल 2025 में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। एमएस धोनी का आईपीएल करियर उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से शामिल है जिन्होंने आईपीएल के हर एक लीग में हर बार शामिल होकर के मैचेस खेले हुए हैं। वहीं अगर हम एमएस धोनी के आईपीएल के रिकॉर्ड की बात करें तो एमएस धोनी ने 17 सीजन में कुल 264 मैचेस खेले हुए हैं और इस दौरान उन्होंने 39 की औसत से 137.54 के स्ट्राइक रेट से 5,243 रन बनाए हैं। धोनी के नाम इस दौरान 2450 भी शामिल हैं और धोनी जिस तरीके से काफ़ी ज़्यादा आईपीएल 2024 में भी काफ़ी ज़्यादा समस्याओं के सामने हमें नज़र आ रहे थे, जैसा कि वो अब आईपीएल में उनकी टीम खेलती थी तो वो काफ़ी लेट में बैटिंग करते हुए नज़र आते थे। इस बात से ये सारी बातें सामने आ रही हैं कि एमएस धोनी हो सकता है कि आईपीएल 2025 में खेलते हुए नजर ना आए। वेल गाइस, आईपीएल 2025 और एमएस धोनी, रोहित शर्मा या फिर जो भी आईपीएल के नए बड़े अपडेट होंगे सबसे पहले इस चैनल पर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। और गाइस, आप क्या चाहते हैं कि एमएस धोनी आईपीएल 2025 में सीएसके टीम से खेलते हुए नजर आए या ना आए, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।